गोल लागतनी समाचार बटुए बक्सर के चौसा से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बक्सर में थर्मल पावर गेट के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जाम करे के मिलल रहे सूचना, 10 जनवरी के भी भइल रहे बवाल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर। नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर में निर्माणाधीन 1320 मेगावाट के थर्मल पावर के मुख्य गेट के जाम करे के ऐलान कैला के बाद जिला प्रशासन अलर्ट को बटुए। ऐसन में मंगर के किसान अपना धरना स्थल से उठ के थर्मल पावर के मुख्य गेट के जाम करे वाला रहल। अब ऐसन सूचना प्रशासन के मिलल तब प्रशासन के हाथ पैर फूले लागल। लेकिन किसान जवन बा थर्मल पावर के मुख्य गेट के जाम ना कोइलन, आगे अभी 4 और 5 अक्टूबर के गेट के जाम करे के संभावना बनल बा। बता दी कि सोमवार के देर रात से ही भारी संख्या में पुलिस बल के प्लांट के मुख्य गेट के अंदर बाहर के साथ अनेक चौक चौराहा पर तैनात कर दिया गया बा। मौका पे कई गो थाना के थानेदार BDO CO लगातार प्लांट के मुख्य गेट के पास निगरानी कर रहल बाड़न। फिलहाल किसान मंगर के अपन धरना स्थल पे ही बैठल रहन। भारी संख्या में कई गिर रहे पुलिस बल के तैनाती। किसान 352 दिन से धरना पर बैठल बाड़न, जिनका मांग को विचार करे खातिर कई बार बैठक कल गई, लेकिन अभी तक बात ना बन पावल, जेकरा कारण किसान के आंदोलन आजीवो जारी बटुए। जहां किसान के द्वारा 1 हफ्ता से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट के 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच जाम करे के ऐलान कल गई रहे, लेकिन मंगर के 3 अक्टूबर के किसान गेट ना जाम कैलन। अब 4 और 5 अक्टूबर के वो गेट जाम कर सकता रह। 3 अक्टूबर से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में बा। सुरक्षा के दृष्टि से थर्मल पावर के मुख्य गेट पर भारी पुलिस बल के तैनाती कल गई बा। चौसा में बिजली बनावे खातिर हिमाचल प्रदेश के पूर्ण स्वामित्व वाली SJVN कंपनी किसान के 1058 एकड़ में 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के निर्माण करा रहल बिया। गंगा नदी से प्लांट तक पानी पहुंचावे खातिर वाटर पाइपलाइन और कोयला पहुंचावे खातिर रेल कॉरिडोर बनावे खातिर जमीन अधिग्रहण करे के बा। किसान के द्वारा अपन दिहल गई जमीन के उचित मुआवजा रोजगार RNR पॉलिसी लागू करे खातिर आंदोलन कल जा रहल बा। गेट जाम के सूचना पे जिला प्रशासन द्वारा समन्वय समिति के बैठक बुलावल गई बा। यही साल 10 जनवरी के किसान के द्वारा मुख्य गेट के जाम कोयला के बाद जम के बवाल भइल रहे, आगजनी भइल रहे, करोड़ों के नुकसान भइल रहे। कंपनी पुलिस प्रशासन के भी नुकसान भइल रहे, जौना में 4 दर्जन किसान पे FIR भी दर्ज भइल रहे। लेकिन यह बार प्रशासन पहले ही से कमर कस के तैयार रहे। बड़ा सवाल यह बटुए कि आखिरकार इतना दिन से किसान लगातार धरना पर बैठल बाड़े। लगातार जिला प्रशासन चाहता कि मामला के सुलझा दी, चलता दी। एकरा में जब तक राजनेता लोग इंटरेस्ट ना ली, जे सरकार बनावता बिगाड़ता, समझत हो कब सब हमार बात, हम जौन कहतनी, जब तक ई लोग ना चाही किसान यही तरी धरना पर बैठल रही। आ कहल गई बा कि आंदोलन जौन होला धीरे धीरे आंदोलन के बत्ती जौन बा लहके शुरू होला आ एक दिन विद्रोह पैदा कर देवेला। कहीं ऐसन मत हो खो कि इतना दिन से धरना पर बैठल एह किसानन के अंदर विद्रोह के ज्वाला मत जरे लागे। ऐसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करी कि जितना भी अगर नेताजी लोग जो सरकार में बैठल बानी, कम से कम है किसानन से वार्ता करी,
आ उचित जवन बटुए ओकरा के तुरंत निष्पादन करी ताकि बड़ घटना के रोकल जा सके। धन्यवाद।